बहुत पुरानी बात है, धर्मपुर नाम का एक गांव था जो समरपुर राज्य में था। ये गांव अपने तालाब के लिए प्रसिद्ध था। इस तालाब के किनारे शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर था और लोग मानते हैं कि भोले बाबा का आशीर्वाद इस तालाब पर हमेशा है। ये तालाब कोई साधारण तालाब नहीं था, इसको लोग जादुई तालाब बोलते थे। इस तालाब में एक सुनहरी मछली रहती थी जो किसी को नहीं पता था कि उसकी उम्र कितनी है। सुनहरी मछली अगर किसी को दिख जाए तो उस समय जो इच्छा मांग लो वो पूरी हो जाती थी और मांगने वाले की किस्मत बदल जाती थी। एक बार अचलगढ़ नामक राज्य में बहुत भयंकर सूखा पड़ा और वहाँ के राजा जयदेव बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपना दरबार बुलाया। महामंत्री, राज्य का क्या हाल है? महाराज, राज्य की हालत अच्छी नहीं है। सूखा की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। खजाने की हालत भी ठीक नहीं है। राज्य में सूखा पड़ने की वजह से हम कर भी नहीं वसूल पा रहे महाराज। फिर क्या उपाय है? हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे और कैसे अपने राज्य को बचाया जाए? आप सब अपनी अपनी राय दीजिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ नहीं बोल पाता। थोड़ी देर के बाद एक दरबारी जिसका नाम रमेश है उठता है और बोलता है। महाराज, अगर आ गया हो तो मेरे पास एक उपाय है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अकेले में। चलो यही बताओ, क्या उपाय है तुम्हारे पास? नहीं महाराज, मैं ये बात सबके सामने नहीं बता सकता। ठीक है, इसको मेरे पास लेके आओ। महाराज, धर्मपुर गांव में एक तालाब है, उसमें एक जादुई सुनहरी मछली रहती है। अगर आप उससे कुछ भी मांग ले तो वो मिल जाएगा। रमेश, अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी और सही हुआ तो ढेर सारा इनाम मिलेगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। उसी समय राजा मंत्री को आदेश देता है कि जाओ जल्दी से रथ तैयार करो, मैं और राजकुमारी धर्मपुर जाएंगे। जी महाराज। यह कहकर महामंत्री तैयारी में लग जाता है। उधर राजा जयदेव दासियों को आदेश देते हैं कि राजकुमारी जानकी को तैयार किया जाए। राजकुमारी जानकी बहुत सुंदर कन्या थी और राजा जयदेव की इकलौती संतान थी, इसीलिए राजा जयदेव अपने सारे राजकीय कार्यों में राजकुमारी जानकी को सम्मिलित रखते थे। राजकुमारी जानकी भी इन सब में अपने पिता की मदद करती थी। राजी, आप हमें इतनी जल्दी में लेकर कहाँ जा रहे हैं? राजकुमारी जानकी, आपको पता है हमारे राज्य में सूखा पड़ा है और हमारी जनता भूखों मर रही है और हमारा खजाना भी खाली है, आगे कैसे काम चलेगा? बस इन्हीं सब चिंताओं को दूर करने के लिए हम धर्मपुर गांव जा रहे हैं। ठीक है महाराज, अपने राज्य के लोगों के लिए हमें जो भी करना हो हम उसमें आपके हमेशा साथ हैं। कुछ देर बाद महाराज और राजकुमारी दोनों धर्मपुर गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के वे दोनों देखते हैं कि यहां तो बहुत हरियाली है और गांव के लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन उनके वहां पहुंचने पर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर गांव के सरपंच को वो अपना आने का उद्देश्य बताते हैं। महाराज और राजकुमारी, आप दोनों का हमारे गांव में स्वागत है, लेकिन आप जिस उद्देश्य से यहां आए हैं उसका पूरा होने में संदेह है। क्यों, क्या हुआ सरपंच जी? राजकुमारी जी, जादुई सुनहरी मछली केवल शिवरात्रि के दिन दर्शन देती है और वो हमारे लिए भगवान शिव का अवतार है। अभी तो 6 महीने हैं शिवरात्रि आने में। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम मिलकर ही जाएंगे सुनहरी मछली से। सरपंच और महाराज दोनों हैरानी से राजकुमारी को देखते हैं। राजकुमारी जानकी ने आदेश दिया कि पूजा पाठ की सामग्री मंगवाई जाए और अपने राज पुरोहित को बुलाया जाए। थोड़ी देर में सब इंतजाम हो गया। महाराज, हम यहाँ भगवान शिव की पूजा करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वो हमसे प्रसन्न ना हो जाएं। महाराज सोच में डूब गए, हम तो सुनहरी मछली को देखने आए थे और राजकुमारी जानकी यहाँ पूजा पाठ करवा रही है। पुरोहित जी, पूजा की तैयारी कीजिए। ठीक है राजकुमारी जी, लेकिन मुझे इसका प्रयोजन नहीं समझ आया। पंडित जी, हमें भोले बाबा को खुश करना है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जी राजकुमारी। पूजा प्रारंभ हो जाती है, इसमें राज्य भर के लोग दूर दूर से आने लगते हैं। पूजा लगातार चलती रहती है। 6 दिन बीत जाते हैं।
कहीं कुछ परिणाम नहीं दिखता। सातवें दिन सुबह पूजा फिर प्रारंभ हो जाती है। सुबह सुबह ही काले बादल आसमान में दिखने लगते हैं। थोड़ी देर में काले बादलों से घनघोर बारिश होने लगती है। चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। सब लोग खुशी से नाचने लगते हैं और इधर उधर भागकर शरण लेते हैं। वही राजकुमारी मंदिर के पास ही बैठी रहती है और तालाब का पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। तभी आवाज आती है, हे जानकी, जानकी। किसने बुलाया मुझे? मैं हूँ सुनहरी मछली। अरे वाह, आप तो बहुत सुंदर हैं। मैंने आपके जैसी सुनहरी मछली कभी नहीं देखी। धन्यवाद, मैं भगवान शिव शंकर की अंश हूँ और आप सब ने भगवान शिव की इतनी तपस्या की कि मुझे आना ही पड़ा। आपने दर्शन दिए हमें, हम तो धन्य हो गए। आपके द्वारा हमें भगवान शिव के भी दर्शन हो गए। बताइए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? सुनहरी मछली, आपने पहले ही हमारी मदद कर दी है इतनी अच्छी बारिश करके। अब बस एक और विनती थी आपसे कि हमारे राज्य में हर एक गांव में एक ऐसा ही तालाब बना दीजिए जिससे कभी सूखा पड़े तो लोग बिना पानी के ना मरे। ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होगी क्योंकि आप लोगों ने इतनी श्रद्धा से पूजा की है कि भगवान शिव भी बहुत खुश हैं। लेकिन आप लोगों ने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। सुनहरी मछली, आपने सही कहा, पर मेरे लिए सब कुछ मेरी प्रजा है। अगर प्रजा खुश है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। राजकुमारी, मैं आपकी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी सोच बहुत अच्छी है। मैं आपको ये जादुई छड़ी अपने तरफ से उपहार में दे रही हूँ। ये आपके बहुत काम आएगी। धन्यवाद सुनहरी मछली। अब सुनहरी मछली तालाब में वापस चली जाती है और राजकुमारी महाराज के साथ अपने राज्य वापस चली जाती है। महाराज राजकुमारी की बुद्धिमता को देखकर खुश हो जाते हैं। पूरे राज्य में खुशियाँ फैल गई। अब सुनहरी मछली ने राज्य के सभी गाँवों में एक जादुई तालाब बनवा दिया। अब पूरे राज्य में सूखे का संकट भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।